नाउ वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ही दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इन मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए वो क्या होती है, सपोज करो आपके पास ना ऐसे करके एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है आपके पास जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो कुछ ना इनविजिबल लाइंस होती हैं, हमें दिखती नहीं है, बट उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं एक कंपास की हेल्प से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करा जा सकता है। तो ये ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं यहाँ पे। अब इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें स्टडी करना है आज। स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक पोल विच नहीं है यहाँ पे, वेयर आएगा, वेयर इट्स इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड बाई अनदर मैग्नेटिक पोल और मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड हैव बोथ, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होती है, दोनों होती है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हैव, ये कह रहे हैं कि आपके पास एक मैग्नेट है तो उसके आसपास कुछ ऐसा एरिया होता है, कुछ ऐसा सराउंडिंग होता है कि जिस सराउंडिंग में आप या कोई आप नहीं सॉरी कि जो मैग्नेट है आपके पास, उस मैग्नेट को आप लेके जाएंगे उसके पास, तो कुछ ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस को, उसकी इफेक्टिवनेस को फील करा जा सकता है कि हाँ भाई या तो ये हमारे वाली छोटी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है या तो रिपेल कर रही है, और उसके बाहर कोई एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे। इट मीन्स कि एट दैट टाइम द मैग्नेट इन योर हैंड इज बियॉन्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन मैग्नेट, यानी इस मैग्नेट के बाहर यहाँ पे कोई मैग्नेट है तो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब है कि बाहर है उससे। अब फ्री यूनिट नॉर्थ पोल, इसको टेस्ट पोल भी बोलेंगे, विल मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इफ इट इज फ्री टू डू सो। मीन्स अगर आपके पास एक मैग्नेट है जिसके आपके पास एक नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल हमेशा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करेगा अगर आप उसको ऐसा करने देंगे तो, अगर आपने उसको कहीं पे बाउंड नहीं किया, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही क्या करता है, मूव करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर आप ये कह रहे हो कि किसी गिवन पॉइंट पे, ठीक है, आप यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे कहते हो, आपने कहा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल रखते हो, क्या रखते हो, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखते हो, तो उसके ऊपर जो अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंस अ फ्री यूनिट नॉर्थ पोल विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड एंड सेम पोल्स आर ऑलवेज रिपेल्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हैव आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड। सिंस द फ्री यूनिट नॉर्थ पोल मूव टूवर्ड्स अ साउथ पोल, अब जो नॉर्थ पोल है वो तो ऑपोजिट है साउथ के, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हैव इनवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो कि नॉर्थ पोल जो है आपके पास, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, तो डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, और साउथ पोल पे डायरेक्शन इनवर्ड है, बिकॉज जब आप मैग्नेट का कंपास का यहाँ पे नॉर्थ पोल रखोगे तो क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इनवर्ड। अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास व्हेन मूव्ड अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज सेट्स इटसेल्फ पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स, अगर आप कंपास रखेंगे तो क्या होगा, जब जहाँ जिस जगह पे आप वो कंपास प्लेस कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, या उस वो डायरेक्शन आपको शो करेगी जो बिल्कुल पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसने बनाई है, वो ऐसी ही किसी मैग्नेट ने बनाई होगी।